नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है आपका एनसीआर टाइम्स में। रोकेंगे फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों की ओर। बल्लभगढ़ शहर वासियों के लिए बेहद ही राहत भरी खबर मिल रही है। करीब दो सप्ताह तक चली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है और अब शहर वासियों को हड़ताल के चलते शहर में लगे गंदगी के ढेरों से जल्द राहत मिलने के आसार दिखाई देने लगे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने न केवल बल्लभगढ़ बल्कि हरियाणा के तमाम शहरों में करीब दो सप्ताह से हड़ताल की हुई थी, लेकिन कई बैठकों में सफाई कर्मियों ने नेताओं और सरकार के बीच में हुई बातचीत विफल रही और अब आखिरकार सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति बन चुकी है और सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि इस बीच शहर के जो हालात बने हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हालात ये बने हैं कि गंदगी के ढेरों के बीच पनपने वाली मक्खी मच्छरों ने बीमारियां फैलाना शुरू कर दी है, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद अब लोगों को इन सभी बीमारियों से राहत मिलने के आसार दिखने लगे हैं। एक सफाई कर्मी की माने तो कुछ मुद्दों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दे दिए हैं और बाकी मुद्दों को भी जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। उनकी माने तो एक दो दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो आज हड़ताल खत्म हो गई है क्या आपकी? हाँ जी, हमारी हड़ताल खत्म हो गई है। कल शाम को गवर्नमेंट के और हमारी कर्मचारी नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, जिसपे कुछ मांगें तो तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और कुछ मांगों के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है जिसपे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। तो जो शहर के हालात बिगड़े हैं गंदगी को लेकर, वो तो कब तक सुधर पाएंगे? ये कर्मचारियों को हमने सख्ती से कहा है और कर्मचारी काफ़ी मेहनत के साथ उत्साहित है काम करने के लिए। एक दो दिन के अंदर इस सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाए। वहीं स्थानीय नागरिक और समाज सेवी दर्शन ठाकुर की माने तो हड़ताल के बीच बने हालात बेहद चिंताजनक रहे हैं और करीब दो सप्ताह तक फैली गंदगी दो दिन में तो साफ नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर सफाई कर्मी काम पर आ गए हैं तो करीब एक सप्ताह में हालात सामान्य बनने की पूरी उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि सफाई कर्मियों के निजी हितों की लड़ाई में हरियाणा के तमाम शहर वासियों को जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है, उन समस्याओं का आखिर कब तक समाधान हो पाता है। बल्लभगढ़ से नरेंद्र भाटी की खास रिपोर्ट। दर्शन जी, सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से हड़ताल चल रही थी, अब राहत की खबर है कि उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी, कितनी राहत है? ऐसा जी, 16 दिन की हड़ताल थी इन लोगों की और 16 दिन में हमारे शहर की और हमारे वार्ड की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि जगह जगह कूड़े के ढेर, नालियों में मच्छर पनपने लगे और बीमारियाँ लोगों में फैली हुई जी। अब उन लोगों का कहना है कि ये सफाई व्यवस्था हम दो दिन में दुरुस्त कर देंगे, दो दिन में सच मानते हैं इसको? नहीं नहीं, मेरी बात सुपरवाइजर से भी हुई है, वो भी यही बात बोला कि दो दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, पर हमें नहीं लगता दो दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसमें कम से कम एक सप्ताह का टाइम लगेगा।